Friends, myself Ravi Bhardwaj, and you are watching my YouTube channel CSC Tutors for You. That means Computer Science and Engineering Tutorials for You. So, friends, HTML Tutorial Series के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस के बारे में. So, friends, चलिए देखते हैं क्या होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस. जैसे मैं आपको इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ. तो जैसे कि हमने यहाँ पिछले प्रोग्राम में बनाया था, इसको मैं यहाँ से अभी रिलोड करता हूँ. देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू 10, ठीक है. फिर a, ध्यान दीजिएगा, a स्पेस सिंगल स्पेस इक्वल टू सिंगल स्पेस, सॉरी यहाँ पर मैं b कर लेता हूँ, ठीक है, b सिंगल स्पेस. उसके बाद यहाँ पर मैं वैल्यू दिया 20. फिर मैं लिख रहा हूँ c इक्वल टू a प्लस b, और फिर से मैं लिख रहा हूँ c स्पेस इक्वल टू स्पेस a स्पेस प्लस स्पेस b, ठीक है. चलिए अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर सेव किया, देन प्रोग्राम को यहाँ पर मैं रीलोड किया, तो देखिए आउटपुट में अच्छा. चलिए हम लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पर br टैग भी यूज कर लेते हैं. br यहाँ पर इसी br लाइन को हम लोग यहाँ से टैग को कॉपी करते हैं और लास्ट में सभी के पेस्ट कर देते हैं. चलिए अब इस प्रोग्राम को सेव किए, देन रीलोड करते हैं. अब देखिए आउटपुट में क्या प्रिंट हो रहा है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर है a इक्वल टू 10, ठीक है. यहाँ मैं विदाउट स्पेस यूज किया था. यहाँ पर देखिए a सॉरी b है स्पेस सिंगल स्पेस इक्वल टू सिंगल स्पेस 20. फिर यहाँ लिखा है c विदाउट स्पेस इक्वल टू फिर विदाउट स्पेस a विदाउट स्पेस प्लस विदाउट स्पेस b, और यहाँ पर मैं लिखा c स्पेस इक्वल टू स्पेस a इक्वल स्पेस प्लस स्पेस b, ठीक है. बट अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे को जैसे कि यहाँ पर जो विदाउट स्पेस था, यहाँ पर मैं टू स्पेस की जगह में मैं यहाँ पर चार बार ये चार स्पेस यूज किया, यहाँ भी चार स्पेस यूज किया, यहाँ पर भी चार स्पेस यूज कर रहा हूँ, यहाँ भी चार स्पेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है. चलिए अब मैं सभी जगह चार चार स्पेस यूज कर लेता हूँ. चलिए यहाँ पर इसके एक स्पेस था, तीन स्पेस और यूज किया, यहाँ भी तीन स्पेस और यूज किया, यहाँ भी तीन स्पेस, यहाँ भी चार स्पेस कर लिए, यहाँ भी चार स्पेस कर लिए, यहाँ तीन स्पेस, यहाँ तीन स्पेस, और यहाँ पर भी तीन स्पेस, यहाँ भी तीन स्पेस. चलिए देखिए यहाँ पर मैं सभी जगह अभी सभी कंटेंट के बीच हम लोग चार चार स्पेस का यूज कर रहे हैं. अब मैं प्रोग्राम को सेव किए, देन प्रोग्राम को मैं यहाँ रिलोड करता हूँ. आउटपुट में देखिए क्या मिल रहा है. यहाँ क्या हमको चार चार स्पेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ भी जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हम लोग ए बी और ए प्लस बी ही लिखेंगे, मतलब कुछ अगर लाइन ऑफ कोड भी लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी एस ई ट्यूट्स फॉर यू. देखिए जैसे कि यहाँ सी एस ई ट्यूट्स फॉर लिख करके यहाँ पर मैं सी एस ई के बीच में यहाँ पर मैं चार स्पेस दे दिया, ट्यूट्स के बाद चार स्पेस दे दिया, फोर के बाद चार स्पेस दे दिया और यू यूज कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैं इसको सेव किया और सेव करने के बाद रीलोड करता हूँ, तो देखिए क्या मेरे को यहाँ पर ये टेक्स्ट के बीच में भी चार चार का स्पेस मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब हम लोग HTML में स्पेस देते हैं, अगर आप विदाउट स्पेस यूज कर रहे हैं तो आउटपुट भी हमको विदाउट स्पेस ही मिलेगा, और अगर आप स्पेस यूज करते हैं तो केवल सिंगल स्पेस ही आप यूज कर सकते हैं. अगर आप एक से अधिक स्पेस यहाँ पर देंगे तो आउटपुट में एक से अधिक स्पेस नहीं मिलता है, केवल हमको सिंगल स्पेस ही मिलता है. तो आप अगर कुछ ऐसा कुछ कंटेंट लिखना चाहते हैं या अपने प्रोग्राम को इस टाइप से डिजाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक से अधिक स्पेस की जरूरत होगी, तो वहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नॉन स्टॉपिंग स्पेस का यूज करते हैं. तो नॉन स्टॉपिंग स्पेस को यूज करने के लिए जो HTML हमें प्रोवाइड कराता है टूल, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. देखिए पहले हमको लगाना है एड्रेस ऑपरेटर, फिर लिखना है एन पी एस सी, उसके बाद सेमी कॉलन सॉरी एन बी एस पी एन बी एस पी, ठीक है, एन बी एस पी मिस्टेक हो गया था, एन बी एस पी मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस. नॉन ब्रेकिंग स्पेस का ये शॉर्ट फॉर्म है एन बी एस पी. इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देना है. तो ये जो है अपना एक टूल कंटेंट, ये क्या करता है, ये सिंगल स्पेस, ये एलिमेंट हमें एक सिंगल स्पेस प्रोवाइड कराता है. तो आपको जितना बार भी स्पेस चाहिए उतना बार आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैं चलिए आपको दिखाता हूँ,
जैसे इसको मैं यहाँ से अभी कट कर रहा हूँ और जैसे कि मुझे यहाँ पर फोर स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको चार बार पेस्ट कर देता हूँ। वैसे ही यहाँ पर भी मेरे को चार स्पेस चाहिए तो मैं भी इसको यहाँ चार बार पेस्ट किया। यहाँ पर मेरे को दो स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पर दो बार पेस्ट करता हूँ। यहाँ भी मेरे को दो स्पेस चाहिए तो दो बार पेस्ट किया। यहाँ पर मान लीजिए मुझे सिंगल स्पेस चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको एक बार पेस्ट कर दिया। यहाँ भी सिंगल स्पेस चाहिए एक बार, सिंगल स्पेस चाहिए एक बार, सिंगल स्पेस चाहिए एक बार। मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको इस टाइप से यूज नहीं करना है बट जैसे चाहते हैं आप वैसा यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग ही है, अब मेरे को यहाँ पर चार का स्पेस चाहिए या तीन का स्पेस चाहिए, तीन बार यूज किए। यहाँ पर आपको तीन का स्पेस चाहिए तो आप यहाँ तीन बार यूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको तीन का स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर इसको तीन बार यूज करिए, जितना भी स्पेस चाहिए। चलिए अब इसको सेव करते हैं, देन वापस से रीलोड किए तो देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने चार का स्पेस दिया था, देखिए यहाँ पर ये चार का स्पेस हमको यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हमने दो बार यूज किया था तो देखिए यहाँ पर ये एक और ये दो, एक दो, दो का स्पेस मिल रहा है। यहाँ एक बार यूज किया था, देखिए यहाँ सिंगल स्पेस, यहाँ भी सिंगल स्पेस, यहाँ सिंगल स्पेस, यहाँ सिंगल स्पेस मिल रहा है। और यहाँ पर तो हमने स्पेस दिया ही है तो सिंगल स्पेस बाय डिफॉल्ट ले रहा है। और यहाँ पर मैंने तीन स्पेस दिया था, देखिए यहाँ पर वन टू और ये थ्री स्पेस, ऐसे वन टू थ्री स्पेस, वन टू थ्री स्पेस, तो ऐसे थ्री स्पेस, तीन तीन स्पेस हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि हम लोग को अगर स्पेस चाहिए है तो स्पेस को देने के लिए नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग एड्रेस ऑफ एन बी एस पी देन सेमी कॉलन का यूज करते हैं। इसी से हम लोग चलिए और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखा माय यूट्यूब चैनल नेम इज सी एस ई ट्यूट्स फॉर यू, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर दिया, देन यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ। तो रीलोड करने पे देखिए हमको इसको और छोटा कर लेते हैं। चलिए हाँ, तो देखिए हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है, माय यूट्यूब चैनल नेम इज सीएससी ट्यूट्स फॉर यू, फुल स्क्रीन में भी दिखा रहा हूँ ऐसा। अब मेरे को क्या करना है कि माय यूट्यूब चैनल में यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ स्पेस दिखाना है, मतलब मुझे इसको और इधर साइड में दिखाना है, यहाँ स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर स्टार्टिंग में आऊँगा, देन यहाँ पर एड्रेस ऑफ एन बी एस पी, देखो क्या है एन बी एस पी देन सेमी कॉल, ये यूज किए। ये क्या करेगा, सिंगल स्पेस देगा। तो आपको जितना बार आपको इसको यूज करना है आप वहां पर उतना बार इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात बार यूज कर रहा हूँ, मतलब सात स्पेस हमको प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, देन आप इसको वापस से रीलोड करिए तो देखिए यहाँ पर हमको सात स्पेस मिलेगा। मैं आपको काउंट करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, तो यहाँ पर सात स्पेस हमको मिल रहा है। तो ऐसे अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर एन बी एस पी का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं, देखिए जैसे कि मैं इसको हटा दिया, वापस से सेव करके फिर से रीलोड कर रहा हूँ, तो देखिए ये हमको यहाँ स्टार्टिंग से ही दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर स्पेस देंगे तो यहाँ स्पेस देने से आपका ये प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आपका प्रोग्राम देखिए वहीं का वहीं से आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा है, बट अगर आप यहाँ पर इस एन बी एस पी नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करते हैं तो आपको ये जितना चाहे आप वहां पर उतना स्पेस दे सकते हैं। देखिए रिफ्रेश किए, इतना स्पेस हमको सात का स्पेस मिल गया। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आप क्लियर हो गया होगा, एन बी एस पी नॉन ब्रेकिंग स्पेस का यूज करके आप लाइन प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर आपको स्पेस देना होगा तो आप वहां पर मल्टी स्पेस दे सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर अनलिमिटेड स्पेस दे सकते हैं, इसलिए इसका नाम भी है नॉन ब्रेकिंग स्टेप, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब जितना चाहे आप उतना स्पेस प्रोग्राम में दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सी एस सी ट्यूट्स फॉर यू को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।